मैग्डलीन, जो तुम्हारे पास है उसे त्याग कर दो और निर्धनों की ओर से मुंह ना मोड़ो। कलोसा की संत मैग्डलीन का जन्म 1 मार्च 1774 को इटली के वैभवपूर्ण भद्र कलोसा परिवार में हुआ था। जिस मैग्डलीन को ईश्वर ने अपने महान कार्य के लिए चुना था, उसी मैग्डलीन का बचपन दुखद और पीड़ामय घटनाओं के बीच गुजरा। पुत्र की आशा करने वाले माता पिता इनके जन्म से निराश थे। जब वह 7 वर्ष की थी, शोध कार्य में निकले पिता मार्क्विस की मृत्यु हो गई। इस दारुण विपत्ति ने पूरे महल का वातावरण ही बदल दिया। उनकी माँ परिवार छोड़कर द्वितीय विवाह की। इस आघात को सहना मैग्डलीन के जीवन का एक कठोर अनुभव था। उनकी व्यथा को माँ मरियम और यीशु ही समझ सकते थे। महलों के वैभव एवं ऐशो आराम के बीच रहकर वह कोई सुख ना पा सकी। 15 वर्षीय बालिका संसार त्याग करती है और कार्मेलाइट मठ में प्रवेश करती है। वहां वह केवल 8 महीने ही थी। वह मठ की दीवारों पर घुटन से महसूस करती, क्योंकि उनका प्रेम निर्धनों पर था। वह पुनः वह महल चली जाती है और कुछ वर्षों तक महल का उत्तरदायित्व निभाते हुए ईश्वर की इच्छा को ढूंढती रहती है। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा ग्रसित इटली के दुखी समुदाय में जाकर वह निर्धन और घायलों की सेवा करती है। 34 वर्ष की आयु में वह भव्य कलोसा को हमेशा के लिए त्याग करती है और उदार महिलाओं के साथ निर्धन और असहाय लोगों की सेवा कार्य आरंभ करती है। परोपकार और विनम्रता उनके दो आदर्श थे। जब उन्होंने यीशु को पा लिया, तो संसार के सभी वैभव मूल्यहीन हो गए। उदार और सेवा कार्य करते हुए मैग्डलीन का निधन 10 अप्रैल सन 1835 में हुआ। 2 अक्टूबर सन 1988 में वह संत पिता जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संत घोषित की गई। उनका कार्य 6 महाद्वीपों में कार्यरत है। कलोसा के धर्म भाई और बहन उनके सेवा कार्य को आज करने में संलग्न है। आइए विनम्र भाव से हम भी दीन दुखी असहाय और निर्धन लोगों की सेवा करें। धन्यवाद।